हेलो स्टूडेंट्स, आई जहीर अब्बास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जहीर सर। टुडे वी विल स्टडी मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन इज केनिजारो रिएक्शन। टू अंडरस्टैंड केनिजारो रिएक्शन यू मस्ट वॉच द वीडियो टिल एंड। मतलब आपको केनिजारो रिएक्शन समझने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना होगा। वीडियो लास्ट तक देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप केनिजारो रिएक्शन है वो इजीली एक मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर उसमें केनिजारो रिएक्शन है तो आपको एक मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, रिएक्शन समझ में आ जाती है, तो फिर वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, केनिजारो रिएक्शन मींस एल्डिहाइड्स इन विच अल्फा हाइड्रोजन्स आर एब्सेंट। कंडीशन हो गई है ऐसे एल्डिहाइड चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कैन रिएक्ट विद कंसंट्रेट NaOH और KOH देन बाय रिडॉक्स रिएक्शन alcohol and sodium or potassium salt of carboxylic acids are formed. Those aldehydes in which alpha hydrogens are absent on reaction with NaOH, concentrate NaOH or KOH, then by redox reaction, this gives alcohol and sodium or potassium salt of carboxylic acid. This reaction is known as a Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction, students, Cannizzaro means कोनी, याद रखना आपको कोनी, कोनी मतलब नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। स्टूडेंट अल्फा हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड्स इन विच अल्फा हाइड्रोजन आर एब्सेंट, ठीक है, ये अपनी कोनी उससे याद रख सकते हैं। केनिजारो रिएक्शन में वो ही एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इट इज द रिवर्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। लास्ट क्लास में अपने बहुत ही शानदार तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसका रिवर्स प्रोसेस है, ये अपोजिट प्रोसेस है। उसमें अल्फा हाइड्रोजन जे था, वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते थे, जबकि ये सिर्फ कौन देता है, एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होते हैं। थर्ड कंडीशन अपन बात करें वो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होता है, ये कंसंट्रेट NaOH और KOH की प्रेजेंस में होता है। इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वेल नोन नेम, वी नो वेरी वेल, इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो स्टूडेंट किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन करवाना चाहते हैं, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपने अलग अलग क्लास में अलग अलग नाम से वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कोपाप सोल, ये बात अपने लिखी हुई अलग अलग वीडियो है। थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, फिर भी बाई चांस समझ में नहीं आए तो आपको फिर वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो रिडक्शन ऑन रिडक्शन एल्डिहाइड गिव्स अल्कोहल, ये बात साफ साफ मैंने आपको बताई थी उस रिडक्शन वाले पार्ट में, फिर देख लेना आप उस वीडियो को, कि उसमें एल्डिहाइड जो CHO होता है उसका रिडक्शन करवाते हैं तो उसकी जगह CH2OH लगता है, CH2OH। और ऑक्सीडेशन तो अपन कब से पढ़ रहे हैं, तीन दिन से लगातार पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ अपने पास कि उसमें एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एंड क्रॉस। If same aldehydes are present, then it is simple Cannizzaro reaction, and different aldehydes present, then it is a cross Cannizzaro reaction. Example student, HCl2, full aldehyde. In this aldehyde, alpha hydrogens are absent, so it can give Cannizzaro reaction, but it cannot give aldol condensation because both are reversed to each other. एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करें, कंसंट्रेट NaOH है तो फिर आपको एल्डिहाइड के हैं वो टू मॉलिक्यूल्स काम में लेने पड़ेंगे, वन अंडरगोज रिडक्शन एंड वन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऑन रिडक्शन CH2 कन्वर्ट इनटू CH2OH, CH2 की जगह आप CH2OH लगाओ, H पहले से ही है तो CH2OH और H को क्या लिखेंगे अपन, CH3OH प्लस। ऑन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड तो H सेम रहेगा, HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो CH2OH बनता है, यहाँ सोडियम सोल्ट और पोटेशियम सोल्ट बनाना है। इफ वी यूज NaOH देन सोडियम सोल्ट, इफ वी यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन सोडियम पोटेशियम सोल्ट। CH3OH तो कहां से बना है, रिडक्शन से,
ये कहां से बना है? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अपने सोडियम सॉल्ट बना दिया। इट इज मेथेनॉल, मेथेनॉल इज द एग्जांपल ऑफ एल्कोहल, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट कंसंट्रेटेड एनिवर्स, तो केनिजारो रिएक्शन, टू मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन, CHO convert into CH2OH on reduction, then the product is CH2OH. CHO की जगह आपको CH2OH लगाना है reduction पर, benzene सेम रहेगी। Second condition की बात करें, benzene रहेगी, CHO का oxidation करवा देंगे तो benzene ring बना लेंगे आप और COONA। It is benzyl alcohol and it is sodium benzoate, example of ester। ये एक इनिशियल रिएक्शन स्टूडेंट, हिंट आप और देख सकते हैं, लिखे बताया आपको ये एल्केड है, उसका रिडक्शन करवाएंगे क्या बनेगा एल्कोहल, पीछे बताया क्या उसके फिर लिखा है आपको याद है इजीली, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इस रिएक्शन में आपको सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बनाना है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। केनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट, अपन ने इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लिया फॉर्मेल्डिहाइड का, जो पीछे किया है फॉर्मेल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल्स अपने काम में लिए हैं, ऑन केनिजारो रिएक्शन इट गिव्स मेथनॉल एंड सोडियम फॉर्मेट। द मैकेनिज्म ऑफ केनिजारो रिएक्शन कंप्लीट इन थ्री स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आयन, इन दिस स्टेप वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड HCl react with OH minus, react with OH minus। स्टूडेंट आप देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल्स अपने पास, फर्स्ट स्टेप में वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड OH minus ऑफ NaOH, NaOH का OH minus है। एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि ये OH minus है वो अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है, रिमूव करवा देता है, यहां अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, सो इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, वहां पर ये बेस का काम कर रहा था, ये न्यूक्लियोफाइल, एनी न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक टू द कार्बोनिल कार्बन, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो एल्केड ग्रुप के कार्बन पे अटैक करता है, जिससे बॉन्ड है वो उसी की तरफ माइग्रेट हो जाता है। चेंजमेंट करेंगे आप एच सेम सी एन एच, अटैक ऑफ OH माइनस ऑन कार्बन, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन बियर नेगेटिव चार्ज, जो चेंजमेंट करना था वो कर दिया, चेक कीजिएगा सही बना है क्या, एच सी डबल बॉन्ड OH OH माइनस अटैक करवाया, जो चेंज हुआ वो कर दिया था। फर्दर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज एंड रिमूवल ऑफ एच माइनस टेक्स प्लेस, यहां ये नेगेटिव चार्ज है वो वापस डीलोकलाइज होता है, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, एच को बाहर जाना पड़ेगा, एच बाहर जब निकलेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा अपने पास एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच माइनस, एच माइनस स्टूडेंट एच माइनस इज हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन बियर ऑलमोस्ट 99% पॉजिटिव चार्ज, बट इन हाइड्राइड फॉर्म इट बियर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर मोस्टली अपने पास पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन हाइड्राइड की जब कंडीशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के डायरेक्ट बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, यहां पर तो इस कार्बन की वैलेंस कंप्लीट हो रही है, हाइड्रोजन मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है। स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन ऑन सेकंड मॉलिक्यूल, ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल अपना कौन सा सेकेंड मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल एच सी डबल बॉन्ड ओ, उस पर हाइड्राइड आयन का अटैक करवाना है, तो हाइड्राइड आयन क्या बना अपना एच माइनस, एच माइनस, एच माइनस इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल, सो इट अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, एच माइनस खुद एक न्यूक्लियोफाइल है तो इस कार्बन पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पहले से दो हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन और अटैक करेगा तो इसके पास थ्री हाइड्रोजन हो जाएंगे, CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल O पे माइनस आ जाएगा, तो इसको अपने शेप लिख देंगे CH3O-, इट इज मेथॉक्साइड आयन, मेथॉक्साइड आयन,
लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप प्रोटोन ट्रांसफर. प्रोटोन मीन्स एच प्लस, प्रोटोन का मतलब एच प्लस है. प्रोटोन ट्रांसफर आपको करवाना है, इसके लिए क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट का प्रोडक्ट और स्टेप सेकंड का प्रोडक्ट है उन दोनों को आप लिख देंगे. स्टेप फर्स्ट जो है उसका प्रोडक्ट आपके सामने है एच सी ओ ओ एच प्लस सी एस थ्री ओ एच एन ए प्लस. एनएच का ओस माइनस तो अपने यहां काम में ले लिया था, उसका एनए प्लस बचा है. एसिडोलोज इज फॉर्मिक एसिड, द नेचर ऑफ एसिड टू रिलीज एच प्लस. ये अपना एच प्लस यहां से हटा देगा. ये जो मेथॉक्साइड आयन है यहां सेकंड स्टेप पर सी एस थ्री ओ माइनस मेथॉक्साइड आयन था, वो उस एच प्लस को क्या कर लेगा, डीएनए कर लेगा. तो फिर अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एच सी ओ ओ एन ए प्लस सी एस थ्री. ये अपना एच प्लस ट्रांसफर कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे Na+ कनेक्ट हो जाएगा, तो HCONa और H जो यहां से रिलीज हो रहा है वो इस मेथॉक्साइड आयन के साथ जुड़ेगा, तो CH3OH. यही सोडियम फॉर्मेट और जो मेथनॉल है वो अपने प्रोडक्ट पे होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट टिशेंको रिएक्शन. टिशेंको रिएक्शन इज ए नेम रिएक्शन. इन टिशेंको रिएक्शन एल्डिहाइड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एथॉक्साइड. एल्यूमिनियम एथॉक्साइड स्टूडेंट सी टू एस फाइव ओ, इट इज एथॉक्साइड होल्टराइज एयर. इट इज एल्यूमिनियम एथॉक्साइड. एल्यूमिनियम पॉजिटिव थ्री चार्ज होता है, तो एथॉक्साइड के थ्री मॉलिक्यूल्स आपको काम में लेने पड़ेंगे. सी टू एस फाइव ओ का होल्टराइज एयर एल्यूमिनियम एथॉक्साइड. अगर सोडियम एथॉक्साइड बनाना होता तो C2H5O के साथ सिर्फ सिंगल Na आपको काम में लेना पड़ता. एल्डिहाइड्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एथॉक्साइड देन बाय रिडॉक्स रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल चार्ज फॉर्म विच ऑन फर्दर रिएक्शन टू ईच अदर टू गिव एस्टर. यहां पर एल्डिहाइड एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, जिससे जो इंटरमीडिएट है रिडॉक्स रिएक्शन, जानते हैं पेट जब पीछे पड़ के आए हैं, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो फिर आपस में रिएक्शन करते हुए लास्ट में एस्टर क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे. टिशेंको रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में कंप्लीट होगी, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगी, कंप्लीट होगी. CH3CHO is acid aldehyde C2H5O का होल्टराइज्ड एयर. इट कंफर्म्स द टिशेंको रिएक्शन. टिशेंको रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन. सो हियर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO विल पार्टिसिपेट, वन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड अदर इज अंडरगोज रिडक्शन. रिडक्शन करवाएंगे तो CH2 की जगह CH2OH बनेगा, तो प्रोडक्ट आप बना देंगे CH2OH. Esterification reaction. Esterification reaction. In this reaction, alcohol and carboxylic acids are each other react to each other. Then the product is CH3C(OH), O CH2 and CH3. हाँ, अगर देखें students, esterification reaction में alcohol का H और carboxylic acid का OH participate करता है, जिससे H2 remove हो जाता है. CH3C(OH) ये लिखा है. Connect with O. CH2CH3. It is ester and name of this ethyl acetate. It is Tishenko reaction. Last halogenation reaction. We know that in halogenation reaction, addition of halogen takes place. If halogenation of aldehyde and ketones are complete in the presence of acetic acid CH3CW1, then halogenation reaction complete at alpha position. अगर इसकी हैलोजिनेशन रिएक्शन आप एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अल्फा जो पोजीशन है उस पर हैलोजिनेशन की प्रोसेस होती है. Br2 मींस ब्रोमिनेशन, देन एडिशन ऑफ Br टेक्स प्लेस एट अल्फा पोजीशन इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2
क्लोरीनेशन टेक्स प्लेस एंड क्लोरीन एड टू अल्फा पोजिशन. द प्रोडक्ट इज बी आर सी एच टू सी एच ओ प्लस एच बी आर. प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज सी एल सी एच टू सी डबल बोन ओ सी एच थ्री प्लस एच सी एल. ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, आपकी मर्जी है, आप सी एल इधर भी एड करवा सकते हैं और इधर भी एड करवा सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.